क्या करना चाहिए? योग माया ने तो कह दिया कि ब्रज में आ गया। अब ब्रज में वो कहाँ होगा, क्या किया जाए? श्री सुकोवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्ध प्रतिभासितः देवके वसुदेवाभ्यः मनोज्ञातु विशद ग्रह। सबको घर को भेज दिया, आपस में विचार किया मंत्रिमंडल में कि अब क्या करना चाहिए। मेरा मारने वाला तो आ गया, ये तो निश्चित है। आकाशवाणी ने कहा तेरा मारने वाला आठवां गर्व है, और माया ने भी कह दिया कि तेरा मारने वाला आ गया। परंतु इसकी अदला बदली कैसे हुई? आया तो देवकी के गर्भ में ही है, फिर ये ब्रज में गया तो कहा, गया कहा? कंस ने जितने पहरेदार थे उनसे पूछा, बताओ ये अदला बदली कैसे हुई? सब ने कहा, महाराज हमें नहीं पता, हम तो सो गए, हमें पता ही नहीं चला। कंस ने सबको मरवा दिया और उन्होंने विचार किया, एक काम करो, अभी तो जन्मा है तो पूरे ब्रज में जितने बच्चे जन्मे है ना उन सबको मरवा दिया जाए। अभी हाल के पुत्र है, दो चार दिन के पुत्र है, वो सबको मरवा दिया जाए। चाणूर कहने लगा, महाराज दो चार दिन के चक्कर में क्यों पड़ते हैं, हमें तो मारना ही है, भले दस दिन आके ने मार दो। कछु कह रहे दो दो महीना के मार डालो। कछु बच्चा ऐसे होते हैं कि हाल ही जन्मते हैं और भी महीना जैसे लगते हैं, तो दिनांक चक्कर में दस बीस दिन उगे ले जाए, अपन ने क्या करना हो। सबको मारा है, सैनिकों को भेजा गांवों में और छोटे छोटे बच्चों को सबको मरवाया। सबको मरवाया। इधर श्याम सुंदर का वहां नंदराज जी के यहाँ जात कर्म संस्कार करवाते हैं, हंसी खुशी मनाते हैं। सब सैनिक सब गांवों में से बालकों को मार मार करके आते हैं। सैनिकों से कहा, कितने गांवों में आपने बच्चों को मार दिया? तब कहा, ब्रज में सभी गांवों में सैनिक घूम घूम करके मार रहे हैं, परंतु गोकुल रह गया है। गोकुल में जैसे सैनिक गए, ग्वाल वालों ने सैनिकों को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया। सैनिकों से ग्वाल वालों से लड़ाई हो गई और सबको पत्थर मार मार कर सैनिकों को भगा दिया। जब उनको भगा दिया, उन्होंने सैनिकों ने आकर के कहा, कंस को मालूम हुआ। कंस ने कहा, कोई बात नहीं है, जाओ पूरे गोकुल को जला दो। सब ने कहा, महाराज ऐसा नहीं, नंद बाबा की वसुदेव की रिश्तेदारी हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में बड़े बड़े योद्धा है, पितामह भीष्म जैसे योद्धा है, उनसे सामने की लड़ाई नहीं ले सकते, आमने सामने नहीं लड़ सकते, उससे कोई उनसे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए उनसे सामने बैर मत करो। कुछ करना है तो केवल छल कपट करके तब करना है। सैनिकों से सोना तो कंस ने कुछ नहीं सोच समझ करके सब रहेगा कि अपने तरीके से काम करेंगे, कोई बात नहीं। सैनिकों को जाने दिया, तब तक बकी नाम की एक राक्षसी है, वो आती है। पूतना ने कहा, मैं जाऊंगी भैया और मैं उसको मार दूंगी, मैं जितने बालक हैं वो सबको मार आऊंगी। पूतना जाती है,
उतना अपना ऐसा मूल रूप बनाती है। गोपी का भेष बनाया कोई पहचानेगा नहीं, उधर हंसी खुशी में आनंद चल रहा है, इधर गोपी का वेश बना करके पुतना। गोपी का भेष बनाया सीने पे जहर लगाया, thank you।
भोले वृंदावन बिहारी लाल की। उधर उत्सव था, गोपी के भेष में गई कि मुझे कोई नहीं पहचाने। पूतना का नाम तो बकी है, ये बकासुर की बहन है। बकासुर की बहन, इसका नाम बकी है। बकी कंस ने पठाई, नंद राय घर आई, काना को गोद उठाया, गोपी का भेष बनाया, अपने स्तर पर जेर लगा करके, अपने स्तर पर जेर लगा करके कि मैं दूध पिलाऊंगी और बालक को मार दूंगी। कन्हैया को गोद में लिया, जाके मन में घुटाई, काना मारने को आई, मारने को आई, इसके मन नियति खराब है। और प्रसन्न मन से होकर के काना को दूध पिलाते हैं, हंस हंस के दूध पिलाया। जैसे दूध पिलाने लगे और श्याम सुंदर ने उसके प्राण खींचना आरंभ किया, जैसे प्राणों को पीना आरंभ किया, तब पूतना कहने लगी, सामुंचमुंचालमित प्रभासिनी निपड़ी यमान अखिल जीव मर मणि विप्रात नेत्रे चरण भज महो प्रस्वन्न गात्र चपतिर रोदसह। कहने लगी, काना छोड़ मो को बोले, नंद आंगन में डोले, काना छोड़, सा मंच मंचाल सहा मंच मंचाल मिता, मुझे छोड़ो काना छोड़ो, कन्हैया छोड़ो मुझे। श्याम सुंदर कहने लगे, मुझ में यही तो कमी है, किसी को पकड़ता नहीं है, पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। काना छोड़ मो को बोले, नंद आंगन में डोले, और जब घबरा गई तब भयानक रूप बनाया, अपने मूल रूप में आई। सब गोपी ग्वाल यशोदा रोनी सब घबरा गए, हे भगवान जी तो राक्षसी देखा। काना को लेकर के भागी, कन्हैया ने सोचा अगर यही मार दे तो जी घर में नहीं बनेगी, ताकि रास्ता में जाको कछु करो जाए। जाके मेटे अरमान पिए पूतना के प्राण, जाके रस्ते में प्राण गमाया, रस्ते में जंगल में पहुंची तब उसके प्राण खींच लिए, बहुत विशाल शरीर बनाया। जैसे पूतना गिरी तो वृक्ष के वृक्ष टूट गए, गोपी ग्वाल यशोदा मैया रोहिणी सब दौड़ करके आई, कन्हैया कन्हैया, आकर के देखा तो श्याम सुंदर पूतना के ऊपर लेटा हुआ है, खिल रहा है, नशेनी धर करके कन्हैया को उतार के लेके आए, इतना विशाल का शरीर। कन्हैया को उतार करके घर ले गई और कहा, ये कन्हैया अब इस राक्षसी से लिपट करके आया है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। यशोदा रोहिणी अम्भ्यां तासमं बालस्य सर्वतः रक्षां विधीर ददिरे साम्यज्ञोपचरणवादिभिः। और श्याम सुंदर की रक्षा के लिए, इसकी रक्षा हो, भगवान श्याम सुंदर को गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से स्नान करा रहे हैं, शुद्धि पान कर रहे हैं। गौमूत्रेण सनापेत्वा पुनर्गो रजसः अर्वकं महः रक्षां चक्रच सकृता द्वारसांगे सुनामवि। भगवान के नाम ले लेकर के यशोदा मैया रोहिणी गाय की पूंछ से झाड़ती है तो गोबर लगा लगा करके बारह अंगों में केशवादिक द्वादश नामों से रक्षा करने लगी।
सब गोपियों का मन जो व्याकुल हो रहा था, इसलिए पहले कुछ श्रेष्ठ उपाय न कर सके, फिर सावधान हो स्वयं चित्त कर। सब गोपी स्नान करके आचमन ले अपने अंगों में तथा करों में पृथक पृथक अगन न्यास करे, कर न्यास करे और भगवान को भी मंत्र पढ़ने लगी कि हे प्रभु मेरे कन्हैया की रक्षा हो। डाकिन्यायम् यातु धान्यस्यम् कोष्मांडाय अर्वकग्रह भूत प्रेत पिशाचास्य यक्षरक्षो विनायक। भूत प्रेत डांगनी सांगनी सबसे मेरे पुत्र की रक्षा हो, तब तक नंद बाबा जाते हैं। देखा, अरे भैया ये क्या हो गया, ये इतनी बड़ी राक्षसी पूतना ये कैसे मरी? ग्वाल बालों ने कहा, बाबा अपने लाला को लेकर भागी जी, और बीच में ही नजारा कहा है वो भाई सर, तो भाई लाला ने जाको गर्दन मसक दी और मर गई। हमारे लाला को भजी ना लेके भागी, तो ऐसी को तो ऐसा ही होगो, अपने आप मर गए, अपने कर्मते अपने पापनते मर गए। नंद बाबा ने कहा इसका दाह संस्कार करना चाहिए, नहीं तो ये लाश सड़ जाएगी, जहां दुर्गंध आएगी। सब ने काट काट करके बहुत दूर जाकर के जंगल में चिताएं बनाई अनेकों, काट काट करके अनेकों चिताओं में रख करके उनका दाह संस्कार किया। भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसमें से सभी दुर्गंध भाग करके पूतना शुद्ध हो गई। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, अपनी मात्र गति दी, जैसे माता की गति देते हैं वैसे ही पूतना को दी। महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु माता की गति क्यों दी, वो तो ढेर पिलाने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जब मैं वामन अवतार लेकर के राजा बलि के पास गया, बलि की लड़की रत्नावली ने अपने मन में विचार किया, ये मेरा पुत्र होता तो मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया कि मैं तेरा पुत्र बनूंगा। फिर जब मैंने उनके साथ में छल किया, तीन पैरों में तीनों लोग सब कुछ नाप लिया, तो जब पिता की संपत्ति को कोई धोखे से नापे तो लड़कियों को बुरा लगता है। उसने कहा अगर ऐसा मेरा पुत्र होता चली कपटी तो मैं जहर दे करके मार देती। मैंने कहा ये इच्छा भी तेरी पूरी होगी, तो उसने दोनों कर्तव्य निभा दिए, मुझे दूध भी पिला दिया और जहर भी दे दिया, इसलिए इनको मातृगति प्रदान। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन पूतना के देह को जलाया और समय आया, तब पूतना को मरा जान कंस को मालूम हुआ कि पूतना मर चुकी। उन्होंने षटकासुर को भेजा, भगवान श्याम सुंदर की वर्षगांठ मना रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं, सभी स्त्रियां गोपियां आंगन में यशोदा मैया के यहाँ गीत आनंद हो रहे हैं। श्याम सुंदर एक पलड़े में गाड़ी के नीचे लटके हुए झूल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वह झुलाने के लिए रक्षा करने के लिए बैठा दिया। श्री गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Thank you.
भगवान के गोविंद के गीत गाती है। देखो ये इतना बड़ा चकड़ा आसमान में आकर के गिरा, सटका सुर के प्राण पकड़ उड़ गई, गोविंद आए नमः। यशोदा मैया ने देखा ये कहा है वो, ये झगड़ा इतना काहे को हो रहे हो। फिर बाल गोपाल कह रहे मैया हम बताए हाँ कि लाला ने अपने पाय की लात मारी, अंगूठा छिमायो लात मारी, इसको झगड़ा चले गए आसमान को। यशोदा कहने लगी दारी के मेरो लल्ला भाई फुआ भरो बच्चा है मेरो, और लात से गाड़ी को उड़ाए थे है? ग्वाल बाल कहने लगे भैया हमने तो जो अपनी आंखें से देखो है। यशोदा भैया कहने जा अपनी आंखें को इलाज करा, हाँ मेरा छोटा सा बच्चा इतनी गाड़ी उड़ाए दे, नाय मारे तो नाय माने भैया हमने तो जी देखो। अपने लाला को उठा करके ले गई और कहने लगी हे परमात्मा ये तो भगवान की कृपा रही मेरा लल्ला बच गया, तो बारिश के ऊपर से गिरती तब क्या होता। भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन श्री यशोदा मैया एक दयारो मारो लाल यंते सुतम सते गरिमाणम शिशो गोडु नसे हे गिरकूटवत। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन एक दिन मैया अपने लाला को गोदी में बिठा करके दूध पिला रही थी, उधर से कंस ने तृणाव्रत को भेजा, तृणाव्रत आया मारने के लिए। आदि जैसो तूफान जैसो चक्रवात बन बन के आ रहे, कन्हैया समझ गए के बाबा जी आ रहे, अब मैं मैया की गोद में हूं, अगर वो तृणाव्रत आ गया तो मैया को भी हानि पहुंचाएगा। मैया दूध पिला रही अब क्या करो जाए। श्याम सुंदर ने अपना भजन बनायो चालू कर दे, जैसो ही भजन बनायो मैया कहने लगी हाय दैया जा लाला में भजन कैसो ज्यादा हो रहे हो। ऐसो भजन तो मैंने कभी ना देखो, जागो तो ऐसो मालक पड़ रही है न जानो कितनो भजन बढ़ गयो। जा छोटे छोटे बालक आए भैया कहा हो गो लाला कन्हुआ में भजन कितना बढ़ गया बहुत ज्यादा, इतना भजन बढ़ गयो कि बहुत ज्यादा। वो बोले मैं बात बताऊ हाँ जी कब से दूध पी रहे हुए हाँ जे बहुत समय दूध पिया तो पीते है तो वह दूध को भजन तो बढ़ेगा ना। भैया बेचारी भोली वाली हाँ लल्ला जय हो सकत हाँ जे बहुत देर से दूध पी रहे हुए तो जहाँ दूध पी पेगा वह दूध को भजन तो बढ़ेगा ना। भूमो निधायतं गोपी विस्मता भार पीड़ित महापुरुष मादद्यो जगतामास कर्मसो। इतना भजन बड़ा मैया ने नीचे उतार दिया। उसके बाद में जैसे ही तूफान आया चक्रवात आया और श्याम सुंदर को उठा लिया तूफान चक्रवात ने, मैया दौड़ करके आई, जैसा तूफान आया झोपड़ियों को सबको उड़ाता हुआ बासन भाड़ों को तोड़ता पड़ता उठाता फेंकता। मैया ने देखा ऐसा तूफान हाय लल्ला की ओर दौड़ी, लल्ला को तो उसने उठा लिया। श्याम सुंदर देख रहे कि ये तो अच्छा हुआ इतने ऊंचाई पर तृणाव्रत ले गया। श्याम सुंदर देख रहे हैं जे लड़ता को घरे जे विशाखा को घरे ये गंगा को घरे ये कालंद्री को घरे और जिन घरों को देखना है क्योंकि चोरी करनी है ना, अभी पूरी गलियों को देखना है घूमना है। और जैसे घर को देखा सबने और श्याम सुंदर को तृणाव्रत कंस के पास ले जाने को चाहा, श्याम सुंदर ने विचार किया जी कहाँ ले जा रहा है। श्याम सुंदर ने अपना भजन बढ़ाया, तृणाव्रत विचार करने लगा हे भगवान
मैं तो एक छोटे से बच्चा को लेकर के आया, उसमें इतना वजन, कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद के आंगन से मैं पत्थर को उठा ले आया। जब तड़ावट को बूझ लगा, तम स्वान मन्यमानम आत्मनो गुरुमक्तया गले ग्रहीत उत सृष्टम नासम कनकद भूतकारक। जैसे उसे भजन लगा, श्याम सुंदर ने उसका गर्दन गला पकड़ के मसक दिया और उसके प्राण पकड़ू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय आता है, वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य को नामकरण करने के लिए भेजते हैं, सत्कार किया और कहा, हे गुरुदेव आप आए, आप बड़े अच्छे आए, रोहिणी जसोदा दोनों आए, नंदराय ने कहा गुरुदेव आए, कोई महात्मा आ जाए, कोई जानकार आए तो मैया अपने बच्चों को लेकर के चलो अपने बच्चों को दिखाएंगे। मैया ने कहा चलो महात्मा को दिखाएंगे कि इन पर दिचक्कर क्यों है। मैया के पास दोनों बच्चों को, हमारे पुत्र पे जब से जन्मे है तब से नाना प्रकार के दुख संकट आए, जिन्हें पे तुम दिल चक्कर नहीं देख लो। बाबा ने कहा हम देख लेंगे दिल चक्कर, नाम बताओ। मैया कहने लगी नाम तो भाई कुछ धरो ही ना, तो बिना नाम राशि के दिल चक्कर नहीं देखे यार। अच्छा तो महाराज तुम अंत बढ़िया और कौन मिलेगो, तुम्हें ही नाम रख दियो इनको। गर्गाचार्य ने कहा नंदराय अगर मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ ना, दुपट्टा छोड़ दो, मैं कल माखन ले आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
Yeah.
Thank you.
सिद्धार्थे पूयतो या सुरासुरे सर्वविघ्नदशमे श्री गणाधिपते नमो गजानन भूतड़ा सेवितं कपोलीकण चरवचनम जय जय श्री वृंदावन धाम।
यशोदा मैया ने गोदी से लेकर के जमीन पर बैठा दिया। जैसे जमीन पर बैठाला, धरती माता उनके सामने आकर के प्रकट होती है और कहती है, हे गोविंद, आज तुमने मुझे स्पर्श किया है और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तो सिवाय ये मिट्टी के और कुछ नहीं है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे धरती, आपकी तो मिट्टी में ही सब कुछ है, आपकी मिट्टी मेरे लिए सब कुछ है। श्याम सुंदर ने लेकर के मिट्टी को अपने मुख में डाला, कहा, आपकी मिट्टी ही सब कुछ है मेरे लिए। तब तक बाल गोपाल आ जाते हैं और देखा कन्हैया मिट्टी खा रहा। उन्होंने दौड़ करके श्री रामा ने दाऊ से कहा और दौड़ करके मैया के पास आए, मैया, अरे ओ मैया, कन्हैया मिट्टी खा रहा है। मैया दौड़ करके आई और कहने लगी, लाला, तूने मिट्टी खाई? श्याम सुंदर कहने लगे, मैया, मैंने नहीं खाई मिट्टी। मैया कहने लगी, तूने मिट्टी खाई? तेरा मुंह बिगड़ा है, बता, तूने मिट्टी खाई? ना मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तूने मिट्टी खाई? ये ग्वाल बाल जो कह रहे हैं, क्या झूठ दे रहे? श्याम सुंदर कहने लगे, मैया, नाहं बच्छते बानं सर्वे मिथ्या विसंशयः यदि सत्यग्रस्तहि समचं पास्यमे मुखः। हे मैया, ये सब झूठ देती है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो समक्षम पश्यते पश्यमे मुखः, तू मेरा मुख देख सकती है। तेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, 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 तेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा खाई, समचम पश्यते पश्यमे मुखः, तू मेरा मुख देख सकती है मैया। पृथ्वी मारे विचार किया, अगर आज श्याम सुंदर के मुख में मिट्टी दिखी तो मेरे गोविंद को मां ताड़ना देगी। जैसे श्याम सुंदर ने अपना मुख खोला, मैया ने कहा, बता, खोल मुख। जैसे ही मुख खोला,
सात्र दस्य विश्व जगतस्तान सात्रदीपात भूगोलं सवाग्रदिंद्रतारकम। जैसे श्याम सुंदर ने अपना मुख खोला, मुख में पूरा ब्रह्मांड, मैया ने सूर्य चंद्रमा तारे नदी पर्वत पहाड़ पूरे विश्व को देखा। जैसे ही मैया ने देखा, हे भगवान, लाला के मुख में ये का दिखाई दे रहे, बड़े बड़े पहाड़, सूर्य चंद्रमा, नदी, तालाब।